सामुदायिक पत्रकारिता का जो काम है इसने मुझे कई मायनों में सशक्त बनाया है। करौली शहर में आज लोग मुझे इज्जत करते हैं और मेरी पहचान है। मेरे काम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वीडियो बनाना और बदलाव लाना। हाल ही में मैंने वीडियो एक्टिविज्म समुदाय लगाव के कारण 20 महिलाओं को फंड प्राप्त कराया है। इन महिलाओं को अवैध शराब बनाने पर रोक लगाई गई थी, इसीलिए सरकार ने नवजीवन योजना के तहत टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में फंड आवंटित किए गए थे। पिछले एक साल से फंड का इंतजार कर रही महिलाओं को फंड नहीं मिल रहा था। समस्या ये थी कि नवजीवन योजना के तहत हमें सिलाई मशीन 3,000 रुपए देने का वादा किया, वो नहीं मिल रहा। मैडम मिली, उन्होंने हमारी जो योजना की पूरी जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद वे अधिकारियों के पास गई, कलेक्टर साहब के पास गई, फिर उन्होंने फिल्म बनाई, सारे कागज उनको दिखाए। इन्होंने पता नहीं क्या कोशिश की और 2 महीने के बाद हमें पैसा मिला। मैंने उनके संघर्ष का एक वीडियो बनाया और उसे समाज कल्याण विभाग के लाकर दिखाया। लगातार 2 महीने तक उनके ऑफिस जाती रही, फंड के डिटेल के बारे में उनसे पूछती रही और उन पर जोर देती रही, जिससे फंड की डिटेल देते रहे। यहाँ तक कि आबकारी विभाग के अफसर ने मुझे काफ़ी परेशान किया, जिसके बारे में मैंने अपनी प्रेस कमेटी को बताया। इस अवसर पर प्रेस डलवाया और उसका फाइनली ट्रांसफर हो गया। अंत में मुझे खुशखबरी मिली कि चेक आ गए हैं। जब वो उन महिलाओं को चेक बांटे जा रहे थे, तब मैं वहां खुद उपस्थित थी और उनके चेहरे की खुशी में मेरे काम पर विश्वास और बढ़ाया। उस पैसों से मैंने मशीन खरीदी और मशीन का जो भी काम है, कैंची, इंची टेप है और कपड़ा है, वो सारा सामान खरीदा। बच्चा कुच्चा पैसा घर के काम में लगा लिया। और क्या बदलाव आया आपके जीवन में? और तो ये खुद से हम अपना काम कर रहे हैं, अपनी मशीन से रोज के 100 रुपए कमा लेते हैं। एक महिला होना राजस्थान में बड़ा मुश्किल है। ऐसा कदम उठा और समाज में बदलाव लाई। आज मैंने जो बदलाव लाया है उससे मुझ जैसी 20 महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकेंगी। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।